हेलो दोस्तों, सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में आप सभी को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जो अरावली पर्वतमाला है, उसकी जो चोटियां हैं, जो सबसे बड़ी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, सीरियल भाई, उसके बारे में हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो इसकी ट्रिक होगी दोस्तों, अरावली की नॉर्मल है कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। दोस्तों, ये तो याद रखना पड़ेगा कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर। अब इसकी ट्रिक हो गई, गुरु से दिल जरा आकर रखो तुम, गुरु से दिल जरा आकर रखो तुम। इसको अगर दोस्तों 10-15 बार 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 रिपीट करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगी और ये फिर आप भूलोगे नहीं। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो गुरु से हो गया गुरु सिक्कर, गुरु से हो गया गुरु सिक्कर। फिर हो गया से हो जाएगा दोस्तों शेर, जिसमें इसकी गुरु सिक्कर की तो दोस्तों इसकी लंबाई है 1722 मीटर। ये है सिरोही में, जगह भी याद रखना दोस्तों कि ये कहाँ है, सिरोही में स्थित है। फिर है शेर की है 1597 मीटर, ये सिरोही में है दोस्तों। फिर है दिल से हो गया दिलवाड़ा, इसकी 1442 मीटर है, ये भी सिरोही में। तो तीनों लगातार जो चोटियाँ हैं वो सब तीनों सिरोही में हैं। तो सबसे पहले गुरु सिक्कर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा। फिर है जरगा, जर से हो गया दोस्तों, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि हम जरा से दो शब्द बना रहे हैं, जर प्लस ए, तो जर से तो हो जाएगा दोस्तों जरगा, जर से हो जाएगा दोस्तों जरगा। इसकी होगी 1431 मीटर, ये है उदयपुर में, ये कहाँ है, जरगा उदयपुर में है। फिर है ऐसे हो जाएगा दोस्तों अचलगढ़, ऐसे हो जाएगा अचलगढ़, जिसकी लंबाई है 1380 मीटर सिरोही में, 1380 मीटर सिरोही में। फिर है आ दोस्तों, आ से हो जाएगा आबू, कैसे हो जाएगा कुंभलगढ़, तो आबू की कितनी आ गई, आबू की हो जाएगी दोस्तों, आबू की है 1295 मीटर सिरोही में है, ये भी 1295 मीटर सिरोही में। फिर कैसे हो जाएगा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की कितनी है, 1224 मीटर, ये राजसंबंध में पड़ती है, कई बार पूछा गया है कुंभलगढ़ राजसंबंध में पड़ता है, 1224 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, मीटर ऊंचाई है, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर ऊंचाई है। और रह से हो गया दोस्तों आकर, आ से हो गया आबू, कैसे हो गया कुंभलगढ़, रह से हो गया रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ की है 10055, ये सिक्कर में पड़ती है, सिक्कर जहाँ खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला लगता है वहाँ सिक्कर दोस्तों। फिर खो से हो जाएगा तुम, खो से हो गया खो, ये जयपुर में पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 920 मीटर, ये जयपुर के अंदर पड़ती है। तुमसे याद रखना दोस्तों तारागढ़, इसकी ऊंचाई है 873 मीटर, ये अजमेर में पड़ती है, ये दोनों को ज़रूर याद रखना, ऊपर के याद हो जाएंगे। अब इसकी नॉर्मल है दोस्तों कि अरावली गुजरात के जो पालनपुर से दिल्ली के रायसीना नामक स्थान तक फैली हुई है, कहाँ से, अरावली गुजरात के जो पालनपुर है वहाँ से लेकर दिल्ली के रायसीना नामक स्थान तक फैली है। और इसकी कुल लंबाई तो कितनी है, 892 मीटर, लेकिन राजस्थान में कितनी फैली हुई है, 550 किलोमीटर तक ये फैली हुई है राजस्थान में। और राजस्थान में अरावली राजस्थान के 10 ज़िलों से होकर गुजरती है, या 10 ज़िलों में स्थित है। तो दोस्तों, हम कल पढ़ेंगे इसके अगले, जिसमें पहाड़ियाँ होगी, यानी इसमें जो भी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में, इम्पोर्टेंट पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और राजस्थान के जो भी वनपाल, वन रक्षक, हाई कोर्ट, पटवारी, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बेसिक से और ट्रिक और फुल वीडियो लेकर आएंगे, और साइंस की भी और राजस्थान जीके की जितनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी, इंडिया जीके की
पहले ट्रिक आएगी और फिर बाद में फुल वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी तो राजस्थान जीके की ट्रिकें चलेगी, फिर साइंस की ट्रिकें, फिर इंडिया जीके की, फिर फुल फुल वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो और घर पे रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचाव जरूरी, घर रह कर पढ़ाई करें, मास्क जरूर लगाएं, भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाएं, और जाएं भी तो मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।